नमस्कार, मैं हूँ संध्या और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक मसाला जिससे आप वेज और नॉन वेज दोनों तरह की रेसिपी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया बनती है, वेज भी हमारा नॉन वेज से कम नहीं बनता है। तो ये देखिए, वेज में हमने परवल की सब्ज़ी बनाई हुई है और नॉन वेज में हमने मटन लिया हुआ है, जिसमें हमने देखिए दस्त, चाप और नली के पीसेस लिए हुए हैं। तो ये देखिए, हमारी परवल की भी बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार बनकर तैयार हुई है सब्ज़ी। ये किसी भी मायने में इसका टेस्ट कम नहीं लगेगा, मैंने तो खुद खाया हुआ है। तो चलिए, हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, हमने सब लोगों को खाने पर बुलाया हुआ है, सब ने बहुत पसंद किया है और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और अपने घर में अपने मेहमानों को जी भर कर खिलाएं और बहुत सारी तारीफ़ें बटोरें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखिए, ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत टेस्टी, सब लोगों ने बहुत मन से खाई सारी चीज़ें, आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए, देरी ना करते हुए हम अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.25 किलो ये मटन लिया हुआ है, इसमें हमने पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 10 चाप और नली के पीसेस लिए हुए हैं। इसके लिए हमने 1.25 ग्राम गार्लिक लिया हुआ है, जिंजर लिया हुआ 50 ग्राम और ये हरी मिर्च ली हुई है 5 से 6, आपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। ये 750 ग्राम हमने कटी हुई प्याज ली हुई है, इन सभी को हमको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, प्याज को हमने अलग ग्राइंड किया है और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अलग। और ये देखिए, हमने 1.25 किलो मटन के लिए इतना मसाला ले लिया है खड़ा, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए, सारी चीज़ें आपको हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए, जावित्री और जायफल हमने अलग लिया है क्योंकि इसका इस्तेमाल हमको बाद में करना है। और सारे आइटम हमने लोहे की कढ़ाई में देखिए बनाया हुआ है, क्योंकि इसका सौंधापन बहुत बढ़िया रहता है। और एक प्याज हमने चॉप कर लिए बघार के लिए। हमारा तेल हो चुका है और हमने जो अपने मसाले हैं खड़े, अपने सरसों का तेल मैंने लिया हुआ है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग नॉनवेज सरसों के तेल में ही बनाते हैं। ये देखिए, मसाले हो गए, अब हमने खड़ी प्याज इसमें ऐड कर लिए। अब ये जब तक गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक हमको इंतज़ार करना है। इसको बीच बीच में आपको हिलाते रहना है जिससे आपकी प्याज जले ना, ये देखिए। और इसकी हमको मीडियम कर लेना है आज को। ये देखिए, हमारी गोल्डन ब्राउन होगी। अब हमने देखिए पिसा हुआ जो प्याज है, हमने जो ग्राइंड किया था उसको अब इसमें मिला लेना है। इसको अच्छी प्रकार से हमको चला लेना है, ये देखिए, जिससे कि हमारी प्याज अच्छी प्रकार से भुन जाए। देखिए, तब तक हम अपने सूखे मसालों को ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, सारे मसाले हमने लिखी हुई क्वांटिटी के अनुसार आप इसमें मिला लीजिए। और मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, कितना आपको मिर्च पसंद है। और इसमें पानी डाल के आपको साइड में रख देना है। और इसी में हमको नमक भी थोड़ा सा डाल लेना है, 3 चम्मच आप नमक इसमें ऐड कर लीजिए। फिर बाद में आपको जैसा लगता है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, को अच्छी प्रकार से हमको भून लेना है प्याज को। प्याज को भूनते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें मिला दिया है। इसको लास्ट में हम मिलाते हैं जिससे कि इसकी खुशबू हो वो आखिरी तक हमारी जो मटन है और जो हमारा मसाला है उसमें लास्ट तक रहती है इसकी खुशबू, इसलिए हम इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हमको अच्छी प्रकार से चला लेना है। देखिए, मसाले की भुंजाई सबसे मेन होती है, हम जितना बढ़िया मसाले को भूंजेंगे उतना ही अच्छा हमारा जो व्यंजन है वो बनकर तैयार होगा। देखिए, इसको भूंजने में 10 मिनट हमने भूंजने के बाद इसमें जो हमने सारे सूखे मसाले जो फुलाए थे कटोरी में उसको इसमें मिला देना है। अब आपको इसको बढ़िया चलाते रहना है जब तक कि तेल जो हमारा है वो इसमें से अलग ना हो जाए।
तब तक हमको इसको चलाना है, इसमें टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट बाद आपको 4 से 5 चम्मच दही इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए हमने दही, ताजी जो दही है उसको इसमें मिला लिया है। और फिर इसको आपको बढ़िया मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी प्रकार से भूनना है। ये देखिए हमको 1 घंटे हो गए हैं भूनते हुए और अभी भी हमारे मसाले ने तेल नहीं छोड़ा है। तब तक हम देखिए दूसरी सब्जी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये देखिए परवल को हमने हल्का हल्का चक्कू की सहायता से ऊपर से छील लिया है और उसमें देखिए कट लगा लिए हैं। ये देखिए बीच में कट लगा लिया है और जो मसाला हमारा भून रहा है देखिए, इसमें से हमको परवल के लिए जो जितना मसाला आपको चाहिए, 5 परवल हमने लिया है, 5 से 6 परवल, उसके हिसाब से आपको इसमें से मसाला निकाल लेना है जितना आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है। देखिए हमने इसके ऊपर देखिए मसाला डाल दिया है क्योंकि हमारा मसाला भुन चुका है। ये देखिए इसको हम इसमें इसलिए डाल देते हैं कि जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक ये जो है ये अच्छी प्रकार से मैरिनेट हो जाएगा और परवल के अंदर तक ये मसाला चला जाएगा क्योंकि हमने इसमें कट किया हुआ है। ये देखिए इसको दबा के रख लिया। तब तक हम मटन की प्रिपरेशन तैयार करते हैं। ये देखिए तेल अलग हो गया है हमारे मसाले से, अब हमने इसे मटन के पीसेस डाल दिए हैं। अब हमको मटन के साथ अपने मसाले प्रकार से भूनना है। इसमें टाइम लगता है, आपको आराम से बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से कम 1/2 घंटे इसको भूनना है। ये देखिए अपने आप जो पीसेस हैं जो मटन के, इनका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा भूनते हुए। ये देखिए जब तक हम मटन को भून रहे हैं तब तक हम अपनी वेज परवल की सब्जी की प्रिपरेशन तैयार कर लेते हैं जिसके कि दोनों एक साथ रेडी हो जाएं और हम दोनों तरह के मेहमानों का स्वागत अच्छी प्रकार से करें। ये देखिए हमारा अच्छी प्रकार से मैरिनेट हो गया है मसाला परवल में। अब हमने थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको ढक देना है क्योंकि परवल को पकने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने पानी डाल के ढक्कन लगा दिया है, इसे अच्छी प्रकार से पक जाएँ। ये देखिए हमने कहा था ना कि मटन के पीसेस देखिए डार्क हो गए हैं भूनते हुए, अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, जो उसके पीसेस के अंदर पानी था उसी से हमारा मटन का जो मसाला है देखिए गीला हो गया है और देखिए पीसेस भी थोड़े सिकुड़ गए हैं इसके। अब हमको इसमें इस पोजीशन पे हमको इसमें पानी डाल लेना है और रसा हमको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, कम से कम 4 गिलास पानी आपको इसमें ऐड करना है जिससे कि इसको पकने में अभी टाइम लेगा। अभी हाँ मटन पका नहीं है, थोड़ा थोड़ा पहले आप चला लीजिए जिससे कि मसाला अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। ये देखिए अभी हमको इसमें और पानी डालना है, हमारे पीसेस पानी के अंदर डूबे रहने चाहिए तभी हमारा जो मटन है वो अच्छी प्रकार से पक पाएगा क्योंकि इस बार ये जो मटन है थोड़ा सा हार्ड है। हमेशा क्या होता था कि हमारे मटन के पीसेस सॉफ्ट रहते थे तो टाइमली हमारे कढ़ाई में पक जाते थे, लेकिन ये वाले जो मटन के पीसेस हैं ये हमको थोड़ा सा टाइट लग रहे हैं तो इसमें टाइम लगेगा, तो हमको इसको ढक देना है इसको। ये देखिए हमने देखिए और पानी ऐड कर लिया। ये देखिए इतना अभी पतला है इसकी ग्रेवी, इसी पोजीशन में हमको अब ढक देना है जिससे कि आराम से पकता रहा, क्योंकि अभी इसको पकने में भी कम से कम 1 घंटा लगने वाला है। तब तक हम अपनी परवल की सब्जी को देखते हैं कि उसके क्या हाल चाल है। ये देखिए काफ़ी गर्म है इसकी प्लेट, ये देखिए अभी लगता है बॉयल होना स्टार्ट नहीं किया, हमने मैंने इसकी आंच को तेज कर दिया है जिससे कि ये बढ़िया से बॉयल हो के अच्छी प्रकार से पक जाए क्योंकि इसको भी पकने में टाइम लगेगा क्योंकि ये भी हमने सहेगा रखा हुआ है तो इसको भी टाइम लगेगा पकने में। तो हमने चेक कर लिया है, देखिए बॉयल होने लगी है, इसको दोबारा से हमको प्लेट से ढक देना है जिससे कि टाइमली ये पक जाए।
तो चलिए हम अपने मटन भी हमारा उबलने लगा है। ये देखिए कितना बढ़िया खुशबू आ रही है और कलर भी कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। आप देखिए इस टाइम पे हमको जावित्री जायफल है थोड़ा सा कूट लेना है और इसमें हमको ऐड करना है, इसको लास्ट में ऐड करना पड़ता है, सबसे आखिरी में। देखिए हमारा मटन अभी भी पका नहीं है, बॉयल तो हो रहा है लेकिन ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा। मुझे लगता है कि ये कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके मटन के पीसेस थोड़े बड़े बकरे के हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, तो आप लोग इसको कुकर में भी बना सकते हैं। 8 से 10 सीटी आप लगा दीजिए तो बढ़िया आपके मटन के पीसेस अच्छी प्रकार से गल जाएंगे। ये देखिए उबल चुके हैं हमारा, ये अभी हमको चेक करना है, अगर हमारे इसके परवल के टुकड़े गल गए होंगे तो हम गैस ऑफ़ कर देंगे, लेकिन अभी पके नहीं हैं। और ये देखिए मटन भी हमारा काफ़ी देर हो गई है पकते हुए, देखिए अब बन के रेडी हो गया है, गल गए हैं इसके पीसेस, तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो गया है और हमारी परवल की सब्जी भी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, काश कि मैं आपको इसकी खुशबू भेज पाती अपने वीडियो के माध्यम से। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।